नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। निहाल, हाँ माँ, जब देखो मोबाइल में घुसा रहता है। अरे कभी कदार पढ़ाई भी कर लिया कर। अरे पढ़ता तो हूँ, बस आपको ही दिखाई नहीं देता। और मोबाइल में भी मैं नोट्स ही पढ़ रहा था। ठीक है ये ले, दूध पी ले। नमस्कार भाई साहब। हाँ अगले हफ्ते आ रहा हूं ना फसल के हिसाब करने के लिए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। जी हाँ, नमस्कार भाई साहब। ये लीजिए दूध। हाँ लाओ। सारा दिन काम कर करके थक गई, शरीर में इतना दर्द हो रहा है कि ऐसा लगता है उम्र हो चली है। अरे तुम कहो तो घर में नौकरानी रख लेते हैं। ना पापा ना, नौकरानी बिल्कुल नहीं। याद नहीं है पिछले साल शर्मा जी के यहाँ चोरी हुई थी? अरे नौकरानी भी तो करवाया था। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। अरे पता चला नौकरानी रखा, घर सफाई करते करते पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं करूँ घर के काम? मैंने ऐसा कहा कि आपको नहीं ना? अरे मैं तो कहती हूँ अमित को फोन करके दिल्ली से बुला लीजिए, उसकी बीवी है ना, सारा घर संभाल लेगी। देखो अमित की ना तुम बात ही मत करो। अरे अगर उसको आना होता तो आने गया होता अभी तक। एक साल हो गए शादी करके उसको, आना तो दूर रहा, एक फोन तक नहीं किया। एक तो चोरी छुपे शादी की, ऊपर से मैंने थोड़ा सा डांट दिया तो बैठ गए नाराज होकर। अरे ये तो वही बात हुई ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे मैंने कहा ना वो आपके डर की वजह से हिम्मत नहीं कर पाता आपसे बात करने की। और रही बात फोन पे बात करने की, तो मुझसे तो कर ही लेता है ना। मैं तो कहती हूँ एक बार आप फोन कीजिए ना। मैं फोन करूँ क्यों? अगर वो अपने बाप को फोन कर लेगा तो छोटा हो जाएगा क्या? आप तो ना हर बात को उल्टी ही ले जाते हैं। मैंने बताया ना आपको कि आपके डर की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाता आपसे बात करने की। उसे लगता है कि अभी तक आपने उसे माफ नहीं किया है। मैं तो कहती हूँ आप एक बार फोन करके तो देखिए, देखिएगा दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। और वैसे भी अभी उसका काम धंधा सब बंद है, बहुत परेशान है बेचारा। ठीक है फोन कर लूंगा मैं उसे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना मुझे किसी की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है बाबा ठीक है, मेरे लिए सही, कम से कम फोन कीजिए तो सही। कितनी प्यारी जोड़ी है, बिल्कुल राम और सीता जैसी। किसी की नजर ना लगे हमारी बहू को। माँ इस सब की क्या जरूरत है? चुपचाप खड़ा रहे। अरे पहली बार हमारी बहू हमारे घर आई है, सब तो करनी पड़ेगी ना। हाँ जीते रहो खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अब बाबूजी का भी आशीर्वाद ले लो। जी माँ खुश रहो। चाय लेके आ बदलिए। तुम लोग बैठो जब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे माँ तुम कहाँ जा रही हो? अरे तुम बैठो ना, तुम आराम करो, अब तुम्हारी बहू आ गई है, अब घर का सारा काम सोनू करेगी। सोनू? ये सोनू कौन है? माँ इसका नाम सोनम है, लेकिन मैं इसको प्यार से सोनू बोलता हूँ, अब आदत हो गई है। माँ तुम समझा करो ना। अरे कोई बात नहीं सोनू, वहाँ किचन है, तुम चाय बना दो। ठीक है तू भी ना अमित, आते के साथ बहू को किचन में लगा दिया। अच्छा माँ ये बताओ कि निहाल दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? निहाल कोचिंग क्लास गया है, बस आता ही होगा। भैया लो आ गया। आ गए आप? अरे छोटे कैसा है तू?
एकदम मस्त भैया। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। भाभी कहाँ है? वो नहीं आई? अरे बेटा वो किचन में है, चाय बनाने गई। जा 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 के मिल ले, जा ना। ये बैठ के ना। हाँ मैं मिल के आता। अरे क्या हुआ? चल बैठ के बातें करते हैं। हाँ ठीक है ना, बैठते हैं। और बता बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक चल रहा है। हाय भाभी, मैं निहाल हूँ, आपका इकलौता देवर। अरे मेरे सामने घूंघट रखने की क्या जरूरत है, हटाइए इसे। मैं भी तो देखूं मेरी भाभी कितनी सुंदर दिखती है। वाह भाभी आप तो बहुत सुंदर हो, इसीलिए भैया ने पापा की मर्जी के बिना आपसे शादी कर ली। भाभी आपके साथ एक सेल्फी लूं, आइए ना। अरे वो सेल्फी किंग हो गया तेरा। अरे भैया आप भी आइए ना। अरे चाय बनी कि नहीं बनी? अरे वो जल्दी करो यार। अरे मेरे भाई सेल्फी बाद में ले लेना, उससे बहुत सारी बातें करनी है मुझे, तू चल मेरे साथ। हाँ भैया आप भी, सेल्फी भी नहीं लेनी थी। अरे सेल्फी ले लेना, बाद में वो यहीं रहने वाली है तेरी भाभी, तू चल मेरे साथ अभी आ जा। अरे वाह आज तुम्हें फुर्सत मिल गई गीता पढ़ने की। हाँ आराम जो मिल गया है बहू के आने से। देखा नहीं हमारी बहू कितनी संस्कारी है, आते ही सारा घर का काम संभाल लिया। हाँ वो तो है, लेकिन सुधा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बहू थोड़ा कम बोलती है? मैंने तो उसकी आवाज ही नहीं सुनी, तुमने सुनी क्या? कैसी बातें करते हैं आप, अरे नई जगह है, नए लोग हैं, थोड़ी तो हिचकिचाहट होगी ना। आप देखिएगा थोड़ी दिनों में घुल मिल जाएगी, सबसे बातें करने लगेगी। अरे बहू। हाँ जी तू। हाँ लीजिए जी। हाँ अरे बहू रुक तो सही, ये लो बेटा ये तुम्हारे लिए। माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी, बहुत संभाल के रखा था इसे कि जब अमित की शादी होगी तो अपने हाथों से उसकी दुल्हन को पहनाऊंगी, लेकिन तुम दोनों ने मौका ही नहीं दिया, चोरी छुपे शादी कर ली। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे तरफ से तुम दोनों के लिए शादी का तोहफा है। और हाँ ये घर की चाबी, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। लो। थैंक यू मम्मी। अरे खुश रहो, हमेशा खुश रहो। देखा कितनी संस्कारी बहू है हमारी। हाँ। निहाल। अरे भाभी आप, तुम्हारे लिए दूध। आपने क्यों तकलीफ करी, मैं खुद आ जाता। कोई बात नहीं। अरे भाभी ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, चीनी नहीं डाली क्या? शक्कर तो डाली थी मैंने। आप खुद पी के देख लो। मीठा तो है, तुम बोलो तो और शक्कर डाल दूं? नहीं नहीं भाभी अब तो और मीठा हो गया होगा, आपने जो जूठा कर दिया। मुझे निहाल ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना बड़बड़ा रही हो? बहुत बकवास करता है,
अरे यार देवर ही तो है तुम्हारा, मजाक कर रहा होगा। तुम उसकी भी इतनी टेंशन लेती हो। मुझे टेंशन उसकी नहीं है। फिर किस बात की है? किसी और बात की। क्या हुआ? अमित चलो ना यहाँ से वापस चलते हैं। मुझे ना यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है यार, लेकिन वापस कैसे जाएंगे? तुम्हें पता है ना हम लोग क्यों भागे थे दिल्ली से? पर वो खन्ना से पीछा छुड़ाने के लिए। और अगर हमने उसके पैसे टाइम से नहीं लौटाए ना तो वो मेरी किडनी निकाल के बेच देगा। ना खतरनाक है, तुम्हें पता भी है। जब तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो जाता है ना तब तक हमें यहीं रहना होगा, और ये जगह हमारे लिए बहुत सेफ है। टेंशन मुझे इस बात की नहीं, टेंशन है मुझे माँ जी और पापा जी के बारे में। तुमने देखा कितना खुश हो रहे थे हम लोगों को देखकर? अमित अगर उनको मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया ना तो वो हमेशा के लिए मुझे अपनी नजरों से गिरा देंगे, और फिर पता नहीं क्या होगा। देखो सोनू कुछ नहीं होगा, मैंने जैसा तुमसे बोला ना बस तुम रह सको, और उन सब लोगों से जितना दूर रह सकती हो ना उतना दूर रहो, और उन लोगों से कम बात करो। ठीक है वैसे ही करूंगी। और ये साड़ी, साड़ी क्या रोज पहननी पड़ेगी? पहननी तो पड़ेगी, वैसे भी तुम साड़ी में ना बड़ी हॉट लगती हो। अगर मुझे शुरू से पता होता ना तो मैं तुम्हें ना पहले से साड़ी पहनवाता। ये मक्खन लगाने की जरूरत है? अरे मक्खन नहीं लगा रहा हूँ यार, सच बोल रहा हूँ। चल पापा जी चाय? माँ जी चाय? हाँ रख दो बेटा। और ये क्या, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मंदिर जाना है साथ में। मंदिर? हाँ जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जा। जाओ भाई मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ यार। देख 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 तू समझा कर, ज्यादा नहीं मांग रहा, बस 1,00,000 का इंतजाम करा दे यार। बहुत तकलीफ है भाई, मैं टाइम से लौटा दूंगा। देख मैं तेरी उधारी चुका दूंगा, प्लीज प्लीज। अमित हाँ? माँ मंदिर जाने को बोल रही है। क्या? मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। किसका फोन बज रहा है, उठा के ले रहे हो? खन्ना इसके पास तुम्हारा नया नंबर कहां से आया? पता नहीं यार ये इसके पास कैसे आया। तुम फोन ऑफ करो। बहू तैयार हुई? हाँ माँ जी। देखो अभी माँ जी के साथ मंदिर चलते हैं, इसको आने के बाद हैंडल करते हैं, मैं रेडी होती हूँ। माँ खाना कैसा बना है? बहुत मजेदार बनाया। किसने? आप ही ने, हमारी बहू रानी ने। पापा जी रोटी। अरे है मेरे पास, लीजिए ना। भाभी एक रोटी देना। है वैसे खाना चाहिए। खाना बहुत अच्छा बनाया आप। अरे बहू तुम भी हमारे साथ बैठ जाती ना, खा लेती साथ में। अरे नहीं नहीं माँ, वो बाद में खा लेगी, तुम जाओ आप खाओ ना। बेटा अमित, बेटा खाना खा के रेडी हो जाना, हमें गांव जाना है। गांव? अचानक? वो फसल का हिसाब किताब करने जाना है, और तुम्हारे ताऊ जी बोल रहे थे कि अमित को साथ लेते आना, बहुत दिन हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम्हें भी देख लेंगे। पर वो पापा। अरे परवार क्या, वैसे भी दिया क्या कर रहा है, दो चार दिन गांव में रह लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है पापा।
अमित तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं क्या करूं? अमित मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनो, देखो पिताजी ने जिद पकड़ ली है, अब मैं उनके बात कैसे टालूं यार। देखो तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा, तब तक जो मैंने बोला ना तुम उसका ख्याल रखना। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? और पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, देखो डरने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखो तुम, सब ठीक हो जाएगा। मैं निकलती हूँ। लेकिन तुम अपना फोन ऑन रखना। हाँ, मैं ऑन। और कोशिश करना ना कि शाम को ही वापस आ जाऊं। हाँ, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊं। ठीक है, बाय। माँ जी चाय। अरे बहू, हो गया सारा काम? जी माँ जी। हाँ बैठ मेरे पास। जब से तू आई है ढंग से बात भी नहीं कर पाई, कुछ अपने बारे में बता, कुछ मेरे बारे में पूछ। हाँ वो माँ जी, सुबह से बहुत काम कर रही थी ना, इसलिए थक गई हूँ और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा आराम कर लूँ फिर शाम को बात करते हैं ना? कोई बात नहीं, जा जा के आराम कर ले, हम शाम में बात कर लेंगे, ठीक है? The number you are trying to call is currently switched off. अमित कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं कि तुम सच में कौन हो। अब ये कौन आ गया? The number you are trying to call is currently switched off. अरे कहां हो तुम? मैं क्या करूं? ये मेरा नंबर खन्ना के पास कैसे आ गया? ओह शिट। सोनू, ओ सोनू, क्या है? सोनू भाभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। ओके भाभी। माजी दूध। आपकी अमित से बात हुई थी? सुबह से नंबर मिला रही हूँ, नंबर ही नहीं मिल रहा है उसका। अरे बेटा गांव में नेटवर्क की बड़ी समस्या होती है, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएंगे वो लोग। बैठ जा तू मेरे पास, आ जा। देख तेरा ही फोन बज रहा है ना, अमित का ही फोन होगा, जा। कैसी हो जान? बहुत मजे से कट रही है ससुराल में। अगर उनको तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो क्या होगा सोचो। बहू। हाँ माँ जी। बहू मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे माँ जी नाश्ता तो करके जाइए, रेडी है।
नहीं बेटा, मैं आके खाऊंगी। अच्छा निहाल उठा के नहीं उठा? नहीं माँ जी, एक नंबर का आलसी है, 10 बजे से पहले तो उठने वाला ही नहीं। जी आप कौन? नमस्कार माँ जी, मेरा नाम महेंद्र खन्ना है। अमित है घर पे? नहीं वो तो नहीं है। नहीं है? अरे सोनू तू यही है? अरे मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेटा तुम इन्हें जानती हो? अरे जी हाँ माँ जी, बहुत अच्छी तरह से। ये ना ये मेरा कजन है माँ जी, मेरे ताऊ जी का लड़का है। अच्छा 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 अच्छा, तो अंदर बैठिए ना, आइए चाय नाश्ता इन्हें कराओ, मैं मंदिर से होके आती हूँ। ठीक है बैठिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम यहाँ शादी के मजे लिए जा रही हो हाँ? और मैं फोन पे फोन किए जा रहा हूँ। कहाँ अमित? अमित घर पे नहीं है, बाहर गया है किसी काम से। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मुझे चकमा दे दोगे, मेरे पैसे मार लोगे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा हाँ? चल पैसे निकाल मेरे। धीरे बोल, पैसे नहीं है हमारे पास। मैं तो भूल ही गया, अमित के घर वालों को पता है तुम्हारी हकीकत का? बताऊं? करना मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो प्लीज किसी को कुछ मत बताना। ठीक है ठीक है, मुझे वैसे भी तेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे पैसों पे इंटरेस्ट है। तू मुझे पैसे दे दे मैं चला जाऊंगा। पैसे हम लोगों के पास नहीं है, होते तो हम लोग तुझे कब का दे चुके होते, तू क्यों नहीं समझ रहा ये बात? अच्छा तो ये हार बड़ा महंगा पहना हो तूने, चल ये नेकलेस उतार, इस महीने की इंस्टॉलमेंट मैं इसी से ले लूंगा। निकाल। नहीं नहीं मैं ये नेकलेस नहीं दे सकती मैं तुझे। नहीं दे सकती तो ठीक है, आने दे माजी को, उनको तुम्हारी हकीकत का बताता हूँ कि तू और अमित कैसे उनको धोखा दे रहे हो, और ये भी बताऊंगा कि तेरा नाम सोनम नहीं बल्कि बोल बता दूं तेरी सच्चाई घर वालों को, फिर तेरे घर वाले तेरे साथ साथ अमित को भी इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। प्लीज करना, तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, किसी को कुछ मत बताना। नहीं बताऊं? चल ये हार दे दे मुझे। चलता हूँ, अगली इंस्टॉलमेंट रेडी रखना। और अगले महीने से पहले कोई कॉल और मैसेज तो बिल्कुल भी मत करना। मैसेज? कौन सा मैसेज? मैंने कोई मैसेज वैसेज नहीं किया, और हाँ अगली बार कोई मैसेज नहीं करूँगा कि कॉल नहीं करूँगा, डायरेक्ट तेरे घर पे आऊँगा। सोनू भाभी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वैसे दिखने में तो हॉट हो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, चाहत है आपको बिना कपड़ों में देखने की। निहाल ज्यादा नाटक मत कर, तेरी सारी हकीकत जानता हूँ मैं। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने तुझे उस खन्ना के साथ बात करते हुए सुना। तो वो मैसेज तू भेज रहा था? हाँ वो मैसेजेस मैं ही भेज रहा था, मैं तो सिर्फ तेरा रिएक्शन देखना चाहता था, पर अब मैं जान गया कि आप सोनम नहीं बल्कि... एक शब्द और मत बोलना, तू सीधा सीधा बोलना, तू चाहता क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ। देख निहाल ये तू सही नहीं कर रहा है, अमित को पता चल गया ना
वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ बता दो, फिर मैं भी मॉम डैड को बता दूंगा कि तुम हकीकत में हो कौन, फिर वो तुम्हें घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। जैसा मैं बोल रहा हूँ चुपचाप ऐसा कर, चल कपड़े उतार। निहाल ये सही नहीं है, ये गलत है। निहाल जी। हाँ बहू। हाँ माँ जी। तू अकेले? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ कुछ नहीं माँ, मैं तो बस भाभी से बातें कर रहा था, है ना भाभी? हाँ माँ जी, अब बातें कर रहे थे। एक तो दिन भर बेचारी घर का काम काज करके परेशान रहती है, थक जाती है, और तू यहाँ उसको परेशान कर रहा है। चल जा यहाँ से। जा। बाय भाभी। बहू तेरे गले का हार, वो माँ जी बहुत गर्मी हो रही थी तो भारी भारी फील हो रहा था, रख अंदर रख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, तू एक काम कर आराम कर ले, ठीक है? तुम्हें कब आओगे तुम? निहाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस अधूरा काम पूरा करने आया था जो मैं रात को नहीं कर पाया था। मेरे पास मत आना, मैं चिल्लाऊंगी ना, मम्मी जी को बुला लूंगी। हाँ हाँ माँ जी को बुला, उन्हें भी तो पता लगे तेरी सच्चाई है क्या, तू है क्या। उतार। सुधा, सुधा। अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए, आप लोग तो दो चार दिन रुकने वाले थे ना। अरे तो क्या करता, इसने तो आफत मचा के रख दी। चलो पापा, चलो पापा। तो आ गए। माँ जब काम लगभग खत्म हो ही गया था तो रुक के क्या करते वहाँ पर? चलो कोई बात नहीं, और आपका सारा काम खत्म हो गया? हाँ हो ही गया लगभग। माँ मैं आता हूँ एक मिनट। हाँ बेटा चलो जाए, वो बनाओ जरा। चलो सोनू क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? सोनू सोनू तुम रो मत। अच्छा बैठो बैठो, तुम बैठो बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ? जब तुम गए तो मैं नहाने जा रही थी, निहाल के आगे मुझे रोका, वो जबरदस्ती करने लगा मेरे साथ, कहता कहता मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। अमित 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 कोई ड्रामा मत करो, हम चुपचाप यहां से चले जाते हैं, मुझे यहां पर नहीं रहना प्लीज। जरूर जाएंगे, लेकिन जाने से पहले निहाल ने जो हरकत की है ना, पहले मैं उसे उसका सबक सिखाऊंगा। निहाल क्यों मार रहे? मुझे क्या किया इसने? सोनू के साथ बदतमीजी कर रहा था, बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ उसे। अरे एक मिनट क्या है सब?
मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे सुन अमित, अमित चलो आज। अरे बेटा तुम लोग इस तरह घर छोड़ के कहाँ जा रहे हो? माँ हमें यहाँ नहीं रहना, हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। नहीं रहना? सुनिए सुनिए तो सही। क्या हुआ? ये देखिए ये बच्चे घर छोड़ के जा रहे हैं। अमित क्या है सब, कहाँ जा रहा तू? पापा हमें यहाँ नहीं रहना है, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। नहीं पागल हो गया है क्या? निहल नादान है, नादानी में गलती हो गई उससे और वो इस बात का अफसोस भी कर रहा है। क्या कहा? अफसोस है? और तो कुछ नहीं कहा ना उसने, और क्या कहेगा? और कुछ भी है क्या? तू बोल। लेकिन पापा अब हमें यहां नहीं रहना है, हम वापस जा रहे हैं। आप समझिए बात को। नहीं बेटा, मेरी खातिर बात मान जा, घर छोड़ के मत जा। बहू इतने दिनों बाद तो हमारे घर में खुशी आई है, तू ही समझाना इसे, तेरी बात माने, मत छोड़ के जा बेटा। माँ जी अब रोइए मत, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग यहीं रहेंगे आपके पास। सच सच बेटा। बहू तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बहू देखो बेटा, निहाल ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं, लेकिन तू फिक्र मत करो, मैंने हॉस्टल में बात कर ली है उसके लिए, बहुत जल्द हम उसे हॉस्टल भेज देंगे। क्या जी बाबू जी? बहू बेटा इतने दिन हो गए तुम्हें आए हुए, लेकिन तुमने हमें अपने बारे में कुछ बताया नहीं कभी, कुछ बताओ अपने बारे में, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? हमने तुम्हें कभी उनसे फोन पर बात करते हुए भी नहीं सुना। वो पापा जी मेरे घर वाले दिल्ली में रहते हैं, वो क्या है ना इस शादी की वजह से वो लोग भी नाराज हैं तो बात ही नहीं करते। माँ जी वो किचन में बर्तन पड़े हैं, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। क्या हुआ सोनू, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? मुझे लगता है निहाल ने पापा जी को मेरे बारे में सब बता दिया है, अभी पापा जी मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे थे। सुनो ऐसा होता ना तो पापा खुद हमें घर से बाहर निकाल देते, मैं ना उन्हें अच्छे से जानता हूँ, यार ऐसे ही पूछ रहे होंगे ना तुमसे। मुझे लगता है कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पता नहीं यार, वो तो माँ का दिल रखने के लिए मैं यहाँ रुक गया, वरना मैं भी रुकना नहीं चाह रहा था। देखो थोड़े दिन और काट लो यहाँ पे, फिर उसके बाद मौका देख के हम लोग भी निकल जाएंगे दोबारा। बेटा सब बात हो गई है, मैंने सब बात कर ली है, सब क्लियर हो गया है, बिल्कुल टेंशन मत ले तू। हाँ सब है। आप जी चाय? हाँ बेटा अमित, मुझे आज हॉस्टल जाना है निहाल की बात करने के लिए, वो क्या है कि आज आखिरी दिन है, आज ही बुलाया है, मैं सोच रहा हूँ कि आज ही फीस वगैरह जमा करके निहाल को जल्द से जल्द वहाँ भेज दूँ। हाँ ये ठीक रहेगा पापा। और हाँ वो बड़े भाई साहब का फोन भी आया था गांव से, वो जो हिसाब किताब बाकी रह गया था ना उसके लिए, तो एक काम कर तू चला जा, आज वहाँ रुक जाना और कल हिसाब करके वापस आ जाना। पर मैं कैसे पापा, मैं नहीं जाऊँगा। अरे इसमें करना क्या है, वहाँ जाना है, हिसाब किताब करना है और वापस आना है, इसमें परेशानी क्या है? अरे पापा मैं सोच रहा था कि आप चले जाते। अरे बेटा अगर मुझे हॉस्टल नहीं जाना होता तो मैं ही चला जाता, तुझसे नहीं कहता, लेकिन हॉस्टल जाना भी जरूरी है क्योंकि मैं सोच रहा था कि जल्द से जल्द निहाल का हॉस्टल में एडमिशन करा दूं ताकि बहू की टेंशन कुछ कम हो जाए। अब मुझे लगता है कि मुझे गाँव ही जाना पड़ेगा, इतना भी सहारा नहीं तुझसे कि तू गाँव जाके हिसाब किताब ही कर ले। अरे नहीं नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं मैं सब जानता हूँ, तू बचपन से ही कामचोर है, मैं गांव चला जाता हूँ, हॉस्टल हॉस्टल बाद में देखेंगे। अरे नहीं नहीं पापा आप जाओ हॉस्टल, मैं गांव चला जाता हूँ, मैं निपटा दूंगा सारा काम।
अच्छा सोनू मैं चलता हूँ। अमित तुम क्यों जा रहे हो? निहाल भी घर पर है, तुमको पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। अरे यार मैं और क्या करूँ बताओ, तुमने देखा नहीं पिताजी कैसे बातें कर रहे थे? अब मुझे जाना पड़ेगा ना। देखो तुम चिंता मत करो, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं टाइम से लौटाऊंगा। और बात रह गई निहाल की, तो क्या कर लेगा वो? पिताजी भी तो घर पर ही है ना, कुछ नहीं करेगा वो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है चलो अभी, ठीक है ज्यादा टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखो। इतनी रात को क्यों आ गया? कल सुबह आ जाता। अरे पापा जब काम हो गया तो मैं वहां रुक के क्या करता, मैं इसलिए आ गया। और ये लीजिए इसमें पैसे भी हैं। अरे ये सोनू के रूम में कौन है? अरे बेटा सुन, अरे हिसाब तो बता दीजिए। अरे पापा हिसाब इसी में है ना। अरे लेकिन सुन बेटा हिसाब। निहाल, निहाल ये क्या कर रहा है तू? सोनू, 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 सोनू मार दिया तूने मेरे सोनू को। क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? हाँ इसने मेरी सोनू को मार दिया माँ। सोनी, सोनी, सोनी हेलो पुलिस सर मेरी बीवी को मार दिया, जल्दी आइए सर। क्या हुआ? सर सर इसने मेरी बीवी को मार दिया था, तो मेरी बीवी को मार दिया था। ए, अरेस्ट करो इसको, ले चलो। पोस्टमार्टम के लिए भेजिए इसको। क्यों मारा उसे? सर मैं बताता हूँ, दरअसल इसकी सोनू पर गंदी नजर थी सर, ये उसको ब्लैकमेल करता था सर। उस दिन जब सोनू ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने इसे बहुत मारा सर, और आज जब मैं घर पर नहीं था सर तो इसने उसका बदला सर सोनू को जान से मार के लिया। ब्लैकमेल करता था?
किस बात के लिए? सर, दरअसल सोनू लड़की नहीं थी सर। लड़की नहीं थी मतलब? सर, सोनू पैदा लड़का ही हुआ था सर, लेकिन बाद में ऑपरेशन से वो लड़की बन गई थी सर। सर, ये सच्चाई में पहले से जानता था सर, और ये ऑपरेशन भी मैंने करवाया था उसका, वो खन्ना से पैसे उधार लेकर। इसलिए सर मैंने सोनू के साथ घर से भाग के शादी की थी, उसके साथ दिल्ली में रह रहा था सर। और एक दिन सर पापा का फोन आया घर से, सर मेरा भी काम धंधा नहीं चल रहा था, तो पर से वो खन्ना पैसे लेने के लिए धमकी दे रहा था सर, तो मैं घर आ गया सर। सोचा सर कि जब तक पैसों का इंतजाम नहीं होता है सुकून से घर पर रह लूँगा सर, लेकिन सर पता नहीं निहाल को सोनू की असलियत कैसे पता चली सर, और ये उसे ब्लैकमेल करने लगा सर, और इसने सर सोनू को मार दिया सर। तुम्हें कैसे पता चला कि सोनू ट्रांसजेंडर है? सर, मैं सोनू को छुप छुप कर देखता था। एक दिन जब मैंने भैया और सोनू की बातें सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तब मैंने सोनू का सोशल मीडिया चेक किया, उसमें मैंने उसकी कुछ पुरानी फोटोज देखी, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन मैं श्योर नहीं था, इसीलिए मैंने उसे मैसेज किया क्योंकि मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता था। लेकिन जब मैंने उसका रिएक्शन देखा वो बहुत डर गई थी, लेकिन उस दिन मैं कन्फर्म हुआ जब मैंने खन्ना और सोनू को बात करते हुए सुना। नहीं दे सकती तो आने दे माजी को, मैं बताऊंगा तू और अमित कैसे उनको धोखा दे रहे हो, बताऊंगा उनको कि तू सोनम नहीं सोनू है, और ये भी बताऊंगा कि अमित ने एक लड़की से नहीं बल्कि एक लड़के से शादी की है, एक ऐसा लड़का जो ऑपरेशन करवा के लड़की बन गई है। बोल, बता दूं तेरी सच्चाई ये सारी घर वालों को, फिर तेरे साथ साथ अमित को भी घर वाले धक्के मार के निकाल देंगे, बोल। तो मैं श्योर हो गया कि सोनू एक ट्रांसजेंडर है, फिर मैंने उस पर मन चाहा व्यवहार करना चाहा, लेकिन उसने भैया को बता दिया। तूने मौका देखकर उसका रेप करना चाहा, और वो जब मना की तो तूने उसे मार दिया। इतनी गंदी हवस हो गई है तुम्हारी। मैंने उसे हवस में नहीं मारा, हवस में नहीं मारा मैंने उसे। फिर क्यों मारा उसको, बोलो। बोल। पापा जी के कहने पर। अरे, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना नीच निकलेगा। पापा, नीच मैं नहीं, वो दोनों है, भाभी औरत नहीं, लड़का है लड़का। लड़का? क्या बकवास कर रहा है तू? पापा, बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। भाभी पैदाइशी लड़की नहीं है, मेरा मतलब है कि वो ऑपरेशन करवा के लड़की बनी है, और भैया भी ये बात जानते हैं, इनफैक्ट शादी से पहले से ही वो ये बात जानते हैं। हे भगवान, क्या ऐसा भी पता है? पापा, आज के टाइम पे सब मुमकिन है। कैसे भी करके उसको अमित की जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। भैया उससे बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे उसे। अरे कुछ भी हो, मैं अमित की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता, उसे अमित की जिंदगी से निकालना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें उसका खून भी क्यों ना करना पड़े। पापा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? देख, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। हम उस लड़की को अभी लड़का लड़की जो भी है, हम उसे अमित की जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। देख, मैं ना कैसे भी करके अमित को 2-3 दिन के लिए गांव भेज देता हूँ, और इस बीच हम लोग उसे मार देंगे, और अमित की दूसरी शादी करवा दूंगा मैं, और सबसे बोल देंगे कि वो चोरी करके भाग गए। ठीक है, समझ रहा ना क्या बोल रहा हूँ? करेगा ना बेटा? है, करेगा ना? जी पापा। पापा, आप, आपने किया ये सब? तुम्हारी घटिया सोच ने एक मासूम की जान ले ली, और तुम्हारे कारण तुम दोनों बेटों की जिंदगी खराब हो गई। अब जेल में बैठ के सोचना क्या सही किया और क्या गलत। ले चलो दोनों को। <laughs>
अमित